अब रिलैक्सेशन के लिए मरकट आसन, इसे हिप्स पर, नितंभों पर, कुल्लों पर बढ़ा हुआ एक्सेस फैट भी कम होता है, पहले धीरे धीरे बाद में तेजी से। मरकट आसन के तीनों अभ्यास, ये दूसरा घुटने पंजों में फासला, तो इससे पैरों का, नितंभों का जो एक्सेस फैट है वो कम हो जाता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर दाहिने पैर को उठाते हैं, बाईं तरफ लेके आते हैं ऐसे, फिर बाएं पैर को उठाते हैं, दाईं तरफ लेके आते हैं, पहले धीरे फिर इसको फास्ट ट्रैक पे कर देते हैं ऐसे, तो इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है। फिर अंत में थोड़ा शवासन, शवासनों के बाद में शवासन किया जाता है। ये तो अभी आपको सिखा रहे हैं, करना बाद में कभी, अभी आप शवासन में पूरी समाधि लगा लें, साक्ष्य हो के दृष्टा भाव से जैसे ही देह को देखते हैं, दो चार लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो तन को विश्राम मिल जाता है, मन भी सहज हो जाता है और अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था, यह देह शववत है, मैं शिव हूं, शिवोहम शिवोहम, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि की यह आध्यात्मिक उद्घोषणा मात्र शाब्दिक नहीं है, इसकी हम स्वयं अनुभूति करने लगते हैं जब हम निष्ठापूर्वक योगाभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं और फिर दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा गंधन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेते हैं, बाएं कर लेते हैं।